taking his time to process. Okay, bro. Oi. That was harsh. तू सो रहा है? We have to speak. तू इतना strong है तू क्यों कर रहा है ऐसे? अच्छा यार, please. जब जशवंत और आकृति आए दिग्विजय के पास उससे बात करने के लिए, तब मुझे लगा कि ये दो ऐसे लोग हैं जो किसी की भी साइड में नहीं है, और ये दोनों के अगेंस्ट तो वैसे भी पूरा विला है। अगर ये दोनों को मैं अपनी साइड लेती हूँ तो मेरे पास भी एक नंबर गेम स्ट्रांग हो जाएगा। एक चीज पूछूं तुम दोनों से? बताइयो, विच साइड आर यू ऑन? वी हैव नो साइड। क्या लगता है हम किसी के साइड है? तुम लोग की साइड दिख रही है, उन लोग की साइड दिख रही है, मेरी कोई साइड नहीं है। जस्ट देयर। मेरे लिए आज कोई खड़ा नहीं हुआ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई साइड का मतलब, साइड रख के मतलब। मैं सिर्फ एक ओपिनियन पूछ रही हूँ कि इफ देयर इज अ टाइम, आई एम जस्ट ओपनिंग द डोर which was closed, whatever, जैसे भी था। ओपनिंग द डोर क्लोज ये सब बातें मत करो, मैं मेरा बता रही हूँ आकृति, क्योंकि आज तुम्हारे बंदे गए हैं तो इसीलिए तुम आज हमारे पास। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम तीन हैं, हमको पता है, और हम तीन एग्जाइल वाले, ये भी बात समझ। अगर हम तीन अलग अलग होते ना, हमारे अलग अलग कनेक्शन होते, बात अलग थी। हम तीनों ऑलरेडी साइडलाइंड है। तो भाई अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब मैं जब तुम्हें स्टार्टिंग से समझा रही थी भाई खुद के लिए खेलो, हर्ष वैशाली के साथ मत खेलो, तुम्हारे ही बंदे कम होंगे, बट जब तक तुम लोग को एग्जाम्पल नहीं मिल जाता, एक बार टोचन नहीं मिल जाता ना अच्छे से, तुम लोग की बुद्धि ना यहाँ ठिकाने नहीं आती है। तो अब पढ़ रही है ना तुम्हें लोगों की ज़रूरत, क्योंकि तुम्हारे खुद के बंदे आज उड़ चुके हैं। सबसे पहली बात ये कि तुम लोगों के लिए ईजी होगा ना हमें टारगेट करना, उन लोगों के लिए भी बहुत ईजी होगा हमें टारगेट करना, बट वही मैं कह रही हूँ वो अश्योरिटी अगर तुम दोगे तो हम खेल सकते हैं। अब एक चीज़ देख, अब मैं तेरे को इस चीज़ की एक बात बताती हूँ, ठीक है? हम तीन लोग हैं ऑलरेडी, बहुत कम लोग हैं, हमको चाहिए नंबर गेम यहाँ पे, ठीक है? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट हर्ष टू बी ऑन आवर साइड, उससे तो हमें रिवेंज लेना है। रुशाली नोप, बचा कौन? शिवित नोप, एडी कशिश यूजलेस, तो उनसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारी साइड पे आने का, तुम दोनों से कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग हमारे टारगेट नहीं हो, तुम लोग हम अपनी साइड ले सकते, उधर में से हम लेना चाहते भी नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शन है। तो नायरा बहुत सिंपल सी बात है, मेरे बुरे दिन पे तुम में से कोई नहीं खड़ा था तो मैं भी नहीं खड़ी होंगी। खेलो भाई अपने दम पे यार, जीतो यार।